कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, जिसका लोकार्पण मंगलवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडेन द्वारा किया गया। इस दौरान एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, ट्रेनी एसडीएम पवन कुमार, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। आपदा विभाग द्वारा जारी किए गए पोस्टर को जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जाएगा। पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से बचने के उपायों को बताया जाएगा, जिससे लोग वैश्विक महामारी कोरोना से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया। दो साइजेस के हैं सर, एक साइज है, एक साइज है। छोटे दुकान में इसका यार अलग ही रंग हो जाए ठीक रहेगा ऐसे। इसका बिल्कुल अलग रंग करो, ग्रीन कर रख लो, कुछ करो, चाप दिए क्या पूरा हो गया सब नीचे ऊपर कहीं ऊपर में नहीं आ रहा हूँ। एक कलर मर्ज हो गया, ये ऊपर नहीं जा सकता। इन लोगों को भी कुछ बना के देना हो गया, मीडिया का भी कुछ बना लो ऐसे। 6 फुट दूरी तुम लोगों का भी है, तुम लोग किसी दिन कोरोना के चपेट में आओगे तो फिर लौटा के ले जाएंगे। क्या परेशानी है सर? ये जो है किस स्टेट से बताए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर कुछ सेक्टर्स और कुछ दुकानें खोल दी गई हैं, जहां लोगों का आवागमन भी होगा, दुकानदार अपनी दुकान खोल करके बैठेंगे। तो दुकानदारों को किस तरह का पालन करना है? नंबर एक, उनको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, दुकान पे क्या क्या चीज़ें करनी, इस बारे में एक पोस्टर बना दिया गया है, जिससे वो उनका पालन करें और आने जाने वाले ग्राहक भी उनको देखें और उसका पालन करें। पालन नहीं करना है, कार्रवाई निश्चित रूप से, यदि कोई दुकानदार इसका पालन नहीं करता है और नहीं करवाता है तो यह अधिकार पुलिस को दिया जा रहा है कि वो यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो जो लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई होती है वो उनके ऊपर की जाएगी।